नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर के। इससे पहले मैंने ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि जल्द ही ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती निकलने वाली है, लेकिन यह भर्ती जल्दी से जल्दी आए इसके लिए एक कॉल किया गया है जो 23 जुलाई 2024 को है। तो 23 जुलाई 2024 को यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस आपको जाना है। 23 जुलाई 2024 को ये आह्वान किया गया है कि आप सभी सुबह 10 बजे तक यूपी ट्रिपल एससी जो ऑफिस है, जो चयन आयोग है, वहां आपको पहुंचना है, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के संबंध में ज्ञापन सौंपना है। सभी लोगों को वहाँ पहुँचना अनिवार्य है। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं वो पहुँचें, क्योंकि यह वैकेंसी जो आती है उसमें आईटीआई के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उनको आना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ जाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आवाज़ जब तक आप बुलंद नहीं करेंगे तो वैकेंसी जल्द नहीं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है और लड़ करके जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, इसके लिए आपको एक प्रयास करना है। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो ऑफिस है वो गोमती नगर लखनऊ में है, तो आपको समय से पहुंच जाना है। हमारी एकता हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा और वैकेंसी आने में देरी होगी। तो यदि आप सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी देखने को मिले, आप भी चाहते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिले, तो आपको 23 जुलाई 2024 यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस पहुंच जाना है। वहां पे आपको एक ज्ञापन देना है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के बारे में। यह कॉल सुभाष चंद्र जी के द्वारा दिया जा रहा है। उनके रिक्वेस्ट पे, अनुरोध पे यह मेरे द्वारा वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है, यह सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है। तो प्लीज़ आप इसे गंभीरता से लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचिए ताकि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है और आपकी आवाज़ को बुलंद की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।